हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक वीडियो आज की डेट में यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए थ्री फंडामेंटल स्टॉक शेयर जो कराएंगे आपके पैसे को तीन गुना, एक दो गुना भी नहीं, तीन गुना। तो कौन से स्टॉक से जाके देख लीजिए, पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक से। एज वेल एज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टैक, इससे रिलेटेड बातें क्यों कर रहे हैं वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। बट आपको बताना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही यहाँ पर आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको पैसा कमाना है तो आपका पैसा बनेगा केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में ही। लार्ज कैप में अगर आप सोच रहे ज्यादा पैसा बनेगा, लार्ज कैप में आप रिस्क फ्री हो सकते हो, बट लार्ज कैप में आपका पैसा उसके कंपेरिजन में कम ही बनता हुआ नजर आएगा। तो हम इस पर्टिकुलर शेयर में अगर हम बात करें ओलेक्ट्रा में, तो ओलेक्ट्रा एक अच्छा खासा शेयर नजर आता है। ओके, क्या करता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर जो हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सिंपली तुरंत आपको वीडियो मिले, आप वीडियो को जाके देखें, आपको नॉलेज मिल सके, आप यहाँ पर पैसा कमा सके, कैसे स्विंग ट्रेड, कैसे फॉल मार्केट में आपको पैसा कमाना है, किस तरीके से आप सपोर्ट लेवल जान सकते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको बताई जाती है। एज वेल एज हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है, कोई स्टूडेंट है एज वेल एज कोई वर्किंग पर्सन है जो मार्केट में पूरा टाइम नहीं दे पाता, तो हमारी पर्टिकुलर नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। ओके, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सर्विसेज और कम प्राइस में यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। एज वेल एज यहाँ पर हम बात करते हैं और जितना हो सके सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे, आप लाइक करेंगे, उतनी ही वीडियोज हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बना पाएंगे। तो हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा से रिलेटेड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टैक। तो यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड वीडियोस क्यों बनाई जा रही है उससे रिलेटेड अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं, तो देखिए अभी शेयर चल रहा है 664 रुपए पे, और यहाँ पर देखिए तो 16 दिसंबर को 941 रुपए पे शेयर आया था, उसके बाद यहाँ पर लगातार यहाँ पर एक गिरावट होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर देखिए आज की डेट में लगभग 63% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे लिए भी गए हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी देखिए यहाँ पर 10 फरवरी को कुछ एक्विजिशन भी करी है, इनफॉर्म द एक्सचेंज अबाउट द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2600 शेयर्स अमाउंट ऑफ 26% और एवरी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पर इन्होंने एक्विजिशन करते हुए नजर आए हैं। कंपनी की बात और यहाँ पर देखिए कंपनी के पास लगभग 51% मतलब प्रमोटर्स का 51.62% के शेयर है, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। ओलेक्ट्रा ग्रीन की अगर कुछ और बातों की तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर देख लीजिए 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी इज प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक बसेस। तो इलेक्ट्रिक बसेस जो बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बसेस की यहाँ पर ये कंपनी बनाती है, एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ पॉलीमर इंसुलेटर में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और हैदराबाद बेस्ड यहाँ पर ये कंपनी नजर आती है। बस से लगभग 70% का रेवेन्यू 2020 में इनका आया था, और जो कि बाद में इंक्रीज बाई 92% कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 19। तो जो 2019 में कितना था, 92% था फॉर इलेक्ट्रिक बस। तो अगर बात करें आगे के टाइम में हम बात क्या कर रहे हैं, केवल इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना हो, और उसमें इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यही काम करते हुए नजर आएंगे। तो इलेक्ट्रिक बसेस में यहाँ पर अगर हम देखें अशोक लेलैंड एज वेल एज यहाँ पर बात करें टाटा काम करता है, बट यहाँ पर एक और कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये कंपनी भी काम करती हुई नजर आती है। कंपोजिट पॉलीमर्स इंसुलेटर 30% का यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर देता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा किस किस चीज के लिए, किस किस सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, किसके साथ इनका जॉइंट वेंचर है। ओके, इनकी डील्स क्या क्या है देखिए, यहाँ पर 2021 में ही रिसीव टू ऑर्डर्स ऑफ 15 करोड़ ईच, मतलब 15 करोड़ के दो यहाँ पर ऑर्डर मिले हैं, जो कि अगर हम बात करें किसके लिए, कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर के लिए यहाँ पर इन्हें ऑर्डर मिले 2020 में, इनको 775 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए यहाँ पर इन्हें ऑर्डर मिला था, और यहाँ पर इन्हें अगेन एंड अगेन यहाँ पर ऑर्डर मिलते ही जाते हैं। तो याद रखिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी यहाँ पर नजर आती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप एक बार जाके इनकी वेबसाइट पे इन्हें यहाँ पर जाके देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके भी यहाँ पर एक बार विजिट करिए तो चीज़ें समझ में आएगी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। देखिए इको ट्रैवल, फास्ट चार्जिंग, लॉन्ग रेंज ऑन सिंगल चार्जेस, और अलग अलग अगर बात करें गुजरात में भी इनकी बसेज यहाँ पर, गुजरात से कुछ पहले इन्हें ऑर्डर मिला था, यहाँ पर अलग अलग स्टेट से यहाँ पर इन्हें ऑर्डर मिलता रहता है, और बसेस भी देखिए लग्जरी बसेस यहाँ पर ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो जाके एक बार इनकी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, फाइनेंशियल्स की।
स्मॉल कैप कंपनी है, 5,501 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। ओके, स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क होती है कि यहाँ जैसे भागता है उस तरीके से गिरता भी है, जो कि यहाँ पर इनके चार्ट पैटर्न में दिख जाएगा कि किस तरीके से 200 रुपए का, 180 रुपए का एक स्टॉक्स हुआ करता था और कैसे 1,000 रुपए तक यहाँ पर टच होता हुआ दिखाई दिया मैक्स, और कभी तो ये 15 रुपए का स्टॉक्स हुआ करता 2005 में। ओके, और इसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन, और जैसे इलेक्ट्रिक की बातें होने लगी, जैसे ही और यहाँ पर देखिए कम शेयर भागा फिर गिरा फिर भागा, तो उस तरीके से यहाँ स्मॉल कैप में इस तरीके के हर्डल्स आते रहते हैं, तो इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। और चीजों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 191 का PEL और इसी इंडस्ट्री का PE भी सेम है, तो लगभग PE सेम ही है। डेट की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है, ROE कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं देता, 4 रुपए का यहाँ पर फेस वैल्यू भी है और शेयर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर ही रहा है। इसके अलावा बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के जो रिजल्ट है हाईएस्ट एवर रिजल्ट है, 208 करोड़ रुपए की सेल्स करी है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, वो भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर तो नहीं है, 2020 में यहाँ पर हाईएस्ट एवर था, और वो भी किसकी, अदर इनकम की वजह से था, बट अगर बात करें अदर इनकम अब इस बार नहीं है, तो यहाँ पर 13 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस है। स्टैंड अलोन नंबर की भी बात करें, तो यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर भी देख सकते हैं, कंपनी का क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर यहाँ पर परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के मार्जिन में थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस पे फर्क आया है ऑपरेटिंग मार्जिन में, बट ईयरली बेसिस पे मार्जिन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया, और ईयरली बेसिस पे ही चीजें यहाँ पर देखी जाती है। कंपनी यहाँ पर देखेंगे 2010 से एक फ्लैट मोड में चल रही थी 2016 तक, उसके बाद धीरे धीरे पिकअप लिया, और अभी की पिछले 12 महीने की सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर कंपनी का आ रहा है। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट की बात करें रिजर्व्स की, तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 717 करोड़ के रिजर्व्स है, यहाँ पर देख लेते हैं 717 करोड़ के, 713 करोड़ के रिजर्व्स है। डेट फ्री कंपनी है, लगभग 15 करोड़ का ही डेट है, ज्यादा डेट भी नहीं है। इन्वेस्ट कैश की बात करें, कंपनी के पास लगभग 101 करोड़ रुपए का कैश है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। 2021 में पहली बार तो नहीं कहेंगे, काफी सालों बाद यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिख रहा है। ROC यहाँ पर धीरे धीरे अब ROC बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 51.62% की होल्डिंग है, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर होल्डिंग ले रखी है। इसके अलावा पब्लिक की बात, FIs की बात करें, तो FIs के पास देखिए हिस्सेदारी बढ़ रही है, यहाँ पर 2 से 3 हुई, 3 से यहाँ पर 8 हुई, 8 से सीधे यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी हिस्सेदारी बढ़ी है, तो 9% की हो गई है। और DIS की बात करें, DIS के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 39% की हिस्सेदारी यहाँ नजर आती है, 39 में भी यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने, या कह सकते हैं ओवरऑल 5% की हिस्सेदारी यहाँ पर है, तो लगभग 33% की हिस्सेदारी ही यहाँ पर नजर आती है किसके पास, पब्लिक के पास, तो काफी सफिशियंट यहाँ पर पब्लिक के पास भी है। FIs हिस्सेदारी बढ़ा रही है। अब बीच में यहाँ पर एक न्यूज आई थी, यहाँ पर न्यूज पे चले जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर नमूरा इंडिया ने भी यहाँ पर 28.2 लाख यहाँ पर शेयर लिए थे, यहाँ पर 8 सितंबर की ये न्यूज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, उसके बाद शेयर लगभग 3 गुना हो चुका है सितंबर की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सितंबर है 8 सितंबर, तो देखिए 312 से लगभग ये 900 रुपये पे 3 गुना ये शेयर होता हुआ दिखाई दिया था, 3x होता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद एक लगातार गिरावट है। और यहाँ पर से मुझे नजर आता है कि एक यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, अगर देखिए यहाँ पर मुझे नजर आता है कि चीजें यहाँ पर आके सेटल हो जानी चाहिए, अब गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि RSI भी यही कह रही है कि हाँ यहाँ पर से यहाँ पर गिरावट नहीं होगी, यहाँ पर कंसोलिडेशन होती है, अगर 2-4 दिन कंसोलिडेशन होती है तो मुझे लगता है कि आपको शेयर यहाँ पर बाई करना चाहिए और थोड़ा सा टाइम का वेट करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में ये शेयर आपको इजीली 900 रुपए तक, यहाँ पर 800-850 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर 20% के रिटर्न्स आपको इजीली यहाँ पर बना के दे देगा। और जब जब कंपनी के क्वार्टरली ईयरली बेसिस अगर नंबर की बात करें, वो अच्छे खासे नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 20% तो यही हो गया, और यहाँ के पर देखें 32% के रिटर्न यहाँ पर मुझे साफ थोड़े बहुत टाइम पीरियड में ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शेयर की बात करें तो शेयर ऑल टाइम हाई से लगभग 20 से यहाँ कितना लगभग 29% गिर चुका है, और कोई बेहतरीन शेयर 29% गिर जाता है तो एक EMI या एक जो हम बात करते हैं SIP मोड में जो पैसे लगाने की, तो यहाँ पर लगा देना चाहिए। कंपनी बेहतरीन है, कंपनी अच्छी नजर आती है, सब कुछ कंपनी यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि ये शेयर यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर फ्यूचर में भी यहाँ पर पेश करता हुआ नजर आएगा। अभी मार्केट ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दे दिए, अब यहाँ से गिर के थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा। अगली बार के नंबर का वेट करिएगा। ओके, अगर अगली बार भी नंबर यहाँ पर अच्छे आते हैं, मार्केट का सेंटिमेंटल अच्छा हो जाता है, तो यही मीडिया, ये स्मॉल कैप कंपनी आगे चल के लार्ज कैप कंपनी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी और यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है, तो कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं,
और जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इन्वेस्ट फॉर एवर को सपोर्ट करना, और जितना हो सके हमारी वीडियो को प्यार देने की कोशिश करें, और ये पर्टिकुलर नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।